बार यहाँ आई हूँ और मैं बहुत समय से ये अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी कि मुझे बुलाया जाए, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और आगे भी आई होप मैं आती रहूँगी यहाँ पे। और ये जो टॉपिक जो आपने चुना है, दिस सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं अपने मास्टर्स से इसी पे काम कर रही हूँ, पार्टी सिस्टम पे, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है टुवर्ड्स फर्टिलाइजेशन। और एम फिल में, PhD में, मतलब 2-3 दशकों से मैं संघवाद के विभिन्न जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे मैं काम कर रही हूँ। और एक ही इस लेक्चर में मुझे पूरा जो उसके बारे में चर्चा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 कोर्सेज पढ़ाती हूँ डिपार्टमेंट में, इंडियन फेडरलिज्म, न्यू डायमेंशन, कंपैरेटिव फेडरलिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो कुछ समय में इसको पूरा इस पर चर्चा करना एक मुश्किल काम है, बट मैं कोशिश करूंगा। दूसरा चैलेंज मेरे लिए है कि बोला गया हिंदी में, तो मैं हिंदी भाषी जगह से हूँ, लेकिन पढ़ाई इंग्लिश में हुआ है, बट आई विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल। और जहां तक कुछ गलती हो जाए तो प्लीज एक्सक्यूज मी। तो थैंक यू सो मच। और आपको फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि 2 दिन का बहुत ही आपने विस्तार से सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है समकालीन इस चर्चा में, उन सब पे मुद्दे आप डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही रेलिवेंट ये टॉपिक है और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो जब हम संघवाद की बात करते हैं, तो भारत का जो संघवाद है आप देखेंगे, वो दो जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, पार्लियामेंटेरियनिज्म एंड फेडरलिज्म, ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इंडिया, लोगों को लगता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम। और कनाडा जो है पहला देश था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ने जिसने अडॉप्ट किया दोनों प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम का समन्वय जो है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसने 1906 में, और इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इसको अडॉप्ट किया, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फेडरल सिस्टम्स प्रिंसिपल्स। बट देखते में आपको लगेगा कि ये दो विरोधाभास है, इसमें इन दोनों प्रिंसिपल्स में विरोधाभास है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियनिज्म जो है सोवरेनिटी इन द पार्लियामेंट की बात करती है, पार्लियामेंट में जो है सोवरेनिटी की प्रभुत्व की बात करती है, और जो संघवाद है वो विकेंद्रीकरण की बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द ग्रासरूट लेवल। लेकिन भारतीय संविधान बहुत ही लचीला है, उसमें बहुत सारे, क्योंकि भारत एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, तो उसको जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने के लिए अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर है, जिसके द्वारा जो है इस कॉम्बिनेशन को, इस समन्वय को भारत के संविधान में बहुत खूबसूरती से संविधान निर्माताओं ने रखा है। तो इसमें जब क्या, इसमें पहले आप देखेंगे Article 1 जो है, मैं थोड़ा सा भूमिका बनाना चाहती हूँ। Article 1 जो है भारत को बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो संविधान जो निर्माता थे उनका खुद ही ये नहीं चाहते थे कि भारत जो है मतलब बिकॉज ऑफ वेरियस हिस्टोरिक रीजंस और पार्टीशन, कम्युनल राइट्स, ये सब की वजह से वो खुद नहीं चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन US की तरह हो जो। तो उन्होंने खुद Article 1 में खुद ये बोला यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। बट और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने डिबेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला कि उसका मतलब यह है कि यूनिट्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट्स ऑफ द यूनियन, दे कैन नॉट सीसीड। और उसी तरह से आप देखेंगे केसी वेयर का चर्चा में काफी नाम रहा है, कंपैरेटिव फेडरलिस्ट स्कॉलर है, उन्होंने US मॉडल को अपनी 1940s में किताब लिखी और लास्ट एडिशन 60s में, तो उसमें उन्होंने अमेरिका को एक यार्डस्टिक रखते हुए बोला कि इंडिया और कैनेडा को बोला अर्धसंघवाद, क्वाज़ी फेडरल बोला, क्योंकि अमेरिका को वो आइडियल मॉडल समझते थे। लेकिन उन्होंने एक डिस्टिंक्शन बनाया इंडिया और कैनेडा में, उन्होंने कहा कैनेडा के केस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है संघवाद जो है वो संविधान जो है कैनेडा का, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाज़ी फेडरल, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस कैनेडा हैज बिकम मोर फेडरल डिस्पाइट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब व्यवहार में जो है वो ज्यादा फेडरल हो गया, और कुछ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स जो दिया गया था कैनेडा के संविधान ने, यूनिट्स को ओवरराइडिंग पावर्स जो दिया था, जैसे रिजर्वेशन ऑफ अ प्रोविंशियल बिल बाय गवर्नर जनरल एंड रिजेक्शन ऑफ द बिल, वो डिसयूज में है, उनका उपयोग संविधान ने शक्तियां केंद्र को दिया फिर भी वो प्रयोग नहीं कर रहे उसका। लास्ट टाइम व्हेन एनी सच बिल जो है वो रिजर्व किया गया वो 1961 में था, और लास्ट टाइम जो ऐसा कोई बिल रिजेक्ट किया गया वो 1943 में। तो ये बोला है, लेकिन इंडिया के केस में वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज नेचुरल प्रैक्टिस
वो इंडिया इज क्वाज़ाई फेडरल अर्धसंघवाद है, क्योंकि केंद्र ने भी जो भी हिस्टोरिक कारण रहे, ब्रिटिश कॉलोनी रहा, पार्टीशन, कम्युनल राइट्स, जो इंडियन इकोनॉमी जो पूरा जो अफेक्टेड रही ब्रिटिश इम्पैक्ट की वजह से, कॉलोनियल रूल की वजह से, उन सब कारणों की वजह से खुद एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहता था। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर कई जगह बोला कि हमारा जो संविधान है टू इन वन है। मतलब जब जो नॉर्मल टाइम्स में विल फंक्शन एज अ फेडरल सिस्टम, बट एट टाइम्स इमरजेंसी ऑफ का, इमरजेंसी इमरजेंसी वो का हाँ यूनिटरी हो जाएगा। तो इस तरह का खुद ही संविधान निर्माता चाहते थे कि एक सेंट्रलाइज फेडरेशन हमारा रहे। और ये अंतर उन्होंने बताया, अगर आप देखेंगे हमारे विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां जो संविधान में दी है, आप केंद्र उसमें देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉम्पोनेंट लिस्ट, उसमें सारा आपको, मैं डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ये सब आपको पता ही होगा या पुस्तक उनमें सब डिटेल में दिया है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे केंद्र जो है उसके ज्यादा शक्ति है, मतलब स्टेट लिस्ट को छोड़ के। और स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी केंद्र उसमें होगी, भी इन केस ऑफ अ केंद्र कॉन्फ्लिक्ट इंटरव्यू अंडर सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, जैसे अंडर आर्टिकल 259 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राज्यसभा राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ या टू इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक है। और या आर्टिकल 249 हो गया, या टू और थ्री स्टेट्स इफ दे राइट दैट मैटर इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट विच इन अ स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट ऑल्सो। फिर कॉन्करेंट सब्जेक्ट जो है वो तो उसमें ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यूनियन लॉ प्रिवेल्स। और इन कांग्रेस के टाइम में वन पार्टी डोमिनेंस रहा 1952 से, हमने देखा स्पेशली टिल 1967 व्हिच वाज अ लैंडमार्क, जब फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कांग्रेस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट्स में आए, बट कांग्रेस रिमेन्ड इन पावर एट द नेशनल लेवल बट विद रिड्यूस मेजोरिटी। तो तब तक आप देखेंगे उस समय और उसका दुरुपयोग हुआ। और एक आर्टिकल है जिसमें प्रोफेसर एमपी सिंह ने डिवीजन ऑफ पावर्स पे आर्टिकल है, तो उसमें सर्वे में दिखाया है कि सबसे ज्यादा चेंजेस जो हुए हैं स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाए गए सब्जेक्ट्स वो इंदिरा गांधी के टाइम में लाए गए हैं, या फिर आप नेहरू के टाइम में, या सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के टाइम में। और बहुत कम सब्जेक्ट्स ही ट्रांसफर हुए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड मल्टी पार्टी कोलिशन फेज सिंस 1989। तो ये भी एक तरीका है कि सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया कॉन्करेंट लिस्ट में, सो दैट टू इंक्रीज द पॉसिबल पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये आप देखा। फिर आर्टिकल 3 आप देखिए, वो बहुत ही अनफेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एक किताब भी किसी साउथ इंडियन स्कॉलर ने लिखा है, द मोस्ट अनफेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर आप यू कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और रीड्रॉ द बाउंड्रीज विदाउट एंड ओनली रिक्वायरमेंट इज कंसल्टेशन, ठीक है। कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है। तो काफी हद तक तो ये ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब दो केसेस में बहुत ज्यादा थोड़ा कंसल्टेशन तो रहा, लेकिन मुद्दा काफी गर्म हुआ वो एक तो तेलंगाना का जब आंध्र प्रदेश में हो, क्योंकि पेरेंट स्टेट आंध्रा उसके फेवर में नहीं था कि बाइफर्केशन हो, और फिर जम्मू एंड कश्मीर को जो आपको यूनियन टेरिटरी में, दो यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को किया गया, तो ये काफी विवाद का मुद्दा बना। तो फिर उसके बाद आप विधायी वित्तीय संबंध में देखिए, तो वित्तीय संबंध में भी आप देखेंगे कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर रहा, और उसमें भी फिर भी सारे फेडरेशन में कोई कोई प्रिंसिपल्स है फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स, जो पुअरर प्रोविंसेस हैं उनको, क्योंकि फेडरलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट यू नो शेयरिंग पावर, पॉलिटिकल पावर, बट ऑल्सो शेयरिंग द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन। तो इक्वलाइजेशन पेमेंट्स हैं, जैसे आर्टिकल 275 है जिसके अंडर जो है देयर वाज मैंडेटरी ग्रांट्स इन एट टू स्टेट्स व्हिच वर इन स्पेसिफिक नीड ऑफ सच ग्रांट्स, एंड दैट वाज डन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहा बट परमानेंट बॉडी नहीं रहा। और इसी तरह 282 आर्टिकल के अंदर जो है देयर वाज प्रोविजन फॉर ग्रांट्स इन एट, इसी तरह का बट डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का था, और वो किया जाता था प्लानिंग कमीशन के आधार पर, जो कि जो संवैधानिक बॉडी नहीं रहा था, परमानेंट बॉडी रहा। तो सरकारिया कमीशन जो बना था इंदिरा गांधी के टाइम में 83 में एंड 87 88 में जब उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसमें उन्होंने ये सुझाव दिए कि फाइनेंस कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है वो परमानेंट बॉडी बना जाए, और प्लानिंग कमीशन को है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए। इवन एमएम पंची कमीशन ने भी वही रिट्रिवेट के सुझाव, और मैं एमएम पंची कमीशन के जो टास्क फोर्स की मेंबर भी रही थी, तो ये रहा। लेकिन जो 2014 के बाद जो मेजर चेंजेस आए हैं वो मैं उस पर अभी आऊंगी, पहले मैंने सोचा पहले का थोड़ा सा भूमिका बनाना की आवश्यकता है।
और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये वित्तीय संबंध में भी रहा, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में आप देखेंगे जो 356 है वो आर्टिकल, उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बोला था कि ये इट शुड बी यूज्ड इन रेयर एज अ सेफ्टी वॉल्व, और सबसे ज्यादा दुरुपयोग उसी का हुआ है 356 का। एक तरह से एक पॉलिटिकल रिवेंज की तरह उसको ले आया गया कि ऑपोजिशन पार्टी जो रूल करी है उसको हटाने के लिए, चाहे कोई भी दल हो। तो उसमें और क्लासिक एग्जांपल रहा 1977 में व्हेन जनता पार्टी केम टू पावर, तो 9 स्टेट जहां पे कांग्रेस की सरकार थी उसको डिसमिस कर दिया। व्हेन इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर 1980 तो उन्होंने एग्जैक्टली 9 स्टेट जहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनको डिसमिस कर दिया। तो लेकिन जुडिशरी का काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रही और उसमें इंटरवेंशन रहा, और उसके बाद से ऐसा बोमे केस जो था 1994 में, उसके बाद से काफी जो है उसमें कमी आई, लेकिन फिर भी उसका दुरुपयोग होता आ रहा है, और क्योंकि वो एक तरह से सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हैं तो जैसा बोमे जजमेंट को एज फार एज प्रेसिडेंट रूल इज कंसर्न की इट्स उसमें बोला गया कि पुनर्समीक्षा कर सकता है जो है जुडिशरी 356 को लेकर, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को लेकर, और फिर लेकिन और फिर रामेश्वर प्रसाद केस रहा, लेकिन अभी भी उसका दुरुपयोग आप देख रहे हैं, केसेस 356 का दुरुपयोग हो रहा है। और इसी के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि वो भी काफी उसका दुरुपयोग हो गया, क्योंकि राज्यपाल जो है वो एजेंट ऑफ द सेंटर तक बोला जाता है कि सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, अपॉइंट करता है सेंटर, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट तो डुअल रोल है। और इवन इतना दुरुपयोग है कि सरकारी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में, पंची कमीशन ने भी कहा कि जो नॉर्मल कर्सी है कि किसी राज्य में आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं तो उस राज्य के राज्यपाल को भी कंसल्ट नहीं किया जाता, और तो ये और एक इम्पार्शल रोल राज्यपाल को करना चाहिए जो कि नहीं रहा है। और जबकि दोनों कमीशन जो है उन्होंने बोला कि राज्यपाल जो है वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कितने एग्जांपल्स हो जिसमें आप देखेंगे कि वो जो है इमीडिएटली पॉलिटिकल पोजीशन पे रहे हैं राज्यपाल। तो ये रिकमेंडेशन भी रहा है कि एक इम्पार्शल भूमिका राज्यपाल को निभानी चाहिए। और हाल के दिनों में आप ये भी देख रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के राज्यपालों को हटा देते, जब बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस के राज्यपालों को हटा दिया या बोला आप इस्तीफा दे दो, तो वो दुरुपयोग आप देख रहे हैं चलता आ रहा है काफी उससे। और एक और जो इम्पोर्टेंट तो ये दो है, और एक और इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है वो है प्रावधान संविधान में आर्टिकल 253 ट्रीटी मेकिंग पावर को लेके, और ये जो है काफी बदलाव आए हैं इसपे प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद, और उसके बाद इसमें मैंने एक आर्टिकल भी ईपीडब्ल्यू में लिखा था पार्लियामेंटराइजेशन एंड फेडरलाइजेशन ऑफ ट्रीटी मेकिंग पावर, कि कैसे मतलब जो स्पेशली व्हेन इंडिया साइन डब्ल्यूटीओ ट्रीटीज तो सम स्टेट्स डिड नॉट दे वर नॉट कंसल्टेड इवन इन एरियाज व्हिच फेल इन द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन लाइक एग्रीकल्चर, तो कुछ स्टेट्स पंजाब राजस्थान तमिलनाडु दे वेंट टू द कोर्ट, और फिर थोड़ा एश्योरेंस मिला कि नहीं इन फ्यूचर देयर विल बी सम काइंड ऑफ कंसल्टेशन। चलो मुद्दा राज्य विषय का एग्रीकल्चर, लेकिन ट्रीटी मेकिंग पावर जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव की शक्ति है, लेकिन एटलीस्ट कंसल्ट तो करें ना उसमें, तो कुछ कंसल्टेटिव मैकेनिज्म होने चाहिए। और वो फिर मुद्दा आगे बढ़ता रहा जब आप देखेंगे ये इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल ने डील फाइल किया तो यूपीए वन ने और लेफ्ट पार्टी दे विदड्रू सपोर्ट बट समाजवादी पार्टी केम टू द रेस्क्यू ऑफ यूपीए वन और गवर्नमेंट सर्वाइव कर गया, और फिर एफडीआई मल्टीब्रांड रिटेल ये सारे मुद्दों में ये सब चर्चा में रहा काफी, इस पर भी मैंने काफी लिखती रही हूँ। तो मेरा ये आर्गुमेंट रहा कि एक तो अमेरिका में जैसे वो शेयर्ड पावर है, पर अमेरिका फेडरेशन है बट पार्लियामेंट्री नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो मेरी किताब भी है वैरायटीज ऑफ फेडरल मॉडल्स, तो उसमें मैंने डिफरेंट मॉडल्स बताए हैं, पार्लियामेंट्री फेडरल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फेडरल सिस्टम्स, रेवोल्यूशनरी मॉडल्स, सुप्रानेशनल फेडरलिज्म, तो ये सब उस पर अलग से भी चर्चा कर सकते हैं कभी लेक्चर, जितने भी मैं बता रही हूँ उन सब पे अलग अलग से पूरा लेक्चर भी हो सकता है। तो वो काफी डिबेट में, तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि अमेरिका में तो इट्स अ शेयर्ड पावर, ठीक है, बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेकिन इंडिया में क्योंकि पार्लियामेंट्री फेडरल सिस्टम तो एटलीस्ट द फेडरल गवर्नमेंट शुड कंसल्ट द स्टेट्स बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रीटीज, तो इस सेंस में मैंने कहा फेडरलाइजेशन होना चाहिए, और पार्लियामेंटराइजेशन इस सेंस में कि उसको फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में डिस्कस तो होना चाहिए संसद में, तो ये मेरा उसमें आर्गुमेंट रहा है। और तो इस तरह से फिर आर्टिकल 200 है रिजर्वेशन ऑफ बिल, वो भी सरकारी कमीशन ने बोला कि बहुत ही रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में ही उसको रोक के रखना चाहिए, उसका भी दुरुपयोग होता रहे। तो
तो ये सारे उसमें चर्चा में रहे हैं। और फिर भारत का जो संघवाद है यूनिक इन द सेंस, क्योंकि वो यूनिटी, क्योंकि संघवाद क्या है, संघवाद जो है वो आपको इट इज सेंसिटिव टू डाइवर्सिटी है ना, तो उसमें और उसको अकोमोडेट डाइवर्सिटी को करने के लिए भारत के संघवाद ने बहुत तरीके के मैकेनिज्म अडॉप्ट किए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स है, फिर आर्टिकल 29-30 जो है धार्मिक कल्चरल उम्मीद एंड आपकी एजुकेशनल उम्मीद राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, फिर आर्टिकल 350 A and B जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज विद इन माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है संघीय व्यवस्था के आधार पे कि प्रिंस अगर बात करते हैं तो असिमेट्रिकल कैपिटलिज्म फेडरलिज्म, असिमेट्रिकल फेडरल प्रोविजन, असमान संघवाद जो असमित है, इसमें मेरा अभी PW में आर्टिकल था इज इंडिया केस फॉर असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, और कई बुक्स में भी मैंने लिखा, और एक आर्टिकल मैंने अभी PW में लिखा था यूनिटेरिटरी मॉडल पे, तो मैंने भी कई तरह की असमानताओं की बात करी है। उसमें एक कैनेडियन स्कॉलर है रोना लॉर्ड्स, उनको फादर ऑफ कंपैरेटिव फेडरलिज्म बोला जाता है, तो उन्होंने डिस्टिंक्शन करी है बड़ी अच्छी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री के बीच में। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री हुआ है जहाँ पे संविधान में ही कुछ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और कुछ फाइनेंशियल पावर्स कुछ यूनिट्स को दिया गया है स्पेशल पावर्स, और पॉलिटिकल असिमेट्री जो है वो सब राज्यों में होती है इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, साइज ऑफ दी यूनिट एंड पॉपुलेशन, तो वो सब राज्यों में होती है। तो वो बोलते हैं इंडिया जो है दोनों का केस है, इट्स अ गुड केस ऑफ पॉलिटिकल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असिमेट्री जो है सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल में यही अंतर है कि सिमेट्रिकल फेडरलिज्म हुआ जहाँ पे सारी यूनिट्स का सिमिलर रिलेशनशिप है विद फेडरल गवर्नमेंट है, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म वेयर और वेटेड इक्वालिटी, एक मैंने राजीव धवन के साथ आर्टिकल लिखा था उसमें वेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड इक्वालिटी की बात करी कि सब यूनिट्स आर मोर इक्वल देन अदर्स है ना, तो उसको जैसे कि आप 370 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहा आर्टिकल 3 असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का जो कि 371 डीऑपरेशनलाइज किया गया, और इसमें मैंने हिंदू में लिखा था अभी असिमेट्रिकल फेडरलिज्म में आर्टिकल 15 अगस्त पे एक स्पेशल आर्टिकल मेरा आया था उसपे असिमेट्रिकल फेडरलिज्म पे, तो उसको डी ऑपरेशनलाइज किया गया, तो उसपे फिर उसके बाद 371 जो है उसमें आर्टिकल 371 में जो फिक्सेशन ऑफ सीट्स फॉर महाराष्ट्र गुजरात सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स की बात करी गई जो और स्पेशल पावर्स उनको दिया गया, फिर 371 A and G विद रिगार्ड टू नागालैंड एंड मिजोरम मिजोरम उनके कस्टमरी लॉज और उसको रिलेशन रिलेटेड लॉज हो तो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उससे अप्रूव होना जरूरी है, एंड स्पेशली फिफ्थ एंड सिक्स स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवी और छठी जो सूची है वो उसमें काफी इम्पोर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए, स्पेशली जो फिफ्थ स्केड्यूल है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात करती है और गवर्नर को काफी पावर्स है वहां पे तो इंडिपेंडेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, तो एज कम्पेयर टू सिक्स स्केड्यूल फिफ्थ स्केड्यूल इज मोर ऑटोनमस, बट सिक्स स्केड्यूल एरिया जो है वो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नागालैंड आसाम मिजोरम मणिपुर मिजोरम मेघालय त्रिपुरा और जिसमें ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रीजनल काउंसिल सेटअप करने की बात करी गई है, तो उनका अलग से एडमिनिस्ट्रेशन है और पेसा एक्ट के द्वारा वो एक्सटेंड भी किया गया पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज, फिर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल की मैंने बात करी है असिमेट्री की बात करी यूनियन टेरिटरी मॉडल की बात करी है अपने आर्टिकल में, तो यूनियन टेरिटरी मॉडल में जैसे ये स्पेशल यूनिट है जनरली सब नॉर्थ ईस्ट एंड इसको 370-371 इसको मानते रहे, बट यूनियन टेरिटरी मॉडल की कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि वो स्मॉल यूनिट है लेकिन डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन दो न्यू यूटीज डेवलप पुडुचेरी एंड दिल्ली, तो पुडुचेरी एंड दिल्ली में काफी डिस्टिंक्शन है, पुडुचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन उसके बावजूद इट एंजॉय सर्टेन पावर्स जो कि राज्य सूची में के विषय है जैसे लैंड पुलिस सिविल सर्विसेज, और वो दिल्ली के पास भी नहीं है तो ये काफी उसको और डिस्टिंक्ट है, 3 different लैंग्वेजेस बोला जाता है तो वो डिफरेंट मॉडल है पूरा पुडुचेरी का, स्पेशली जब JNK यूटी बना तो उस समय काफी डिबेट चल रहा कि पुडुचेरी टाइप का मॉडल भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां पे, और दिल्ली जो है दिल्ली पे भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक किताब थी उसमें हिमांशु और MB Singh सर उनका, तो दिल्ली मल्टी लेयर गवर्नेंस इन दिल्ली मतलब दिल्ली की तो यूनिक ही आइडेंटिटी है क्या आप बोलोगे उसको कि NCT NCR सेमी स्टेट फुल स्टेटहुड की डिमांड करी जा रही है, तो और उस वो तो मल्टी लेयर गवर्नेंस है उसके साथ साथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेवलपमेंटल अथॉरिटीज
DDA, MCD, ये सब करके आपका NDPL, ये सब तो वो और कॉम्प्लिकेट कर देता, प्लस न्यू एंट्री ऑफ न्यू एक्टर्स लाइक यू नो सिविल सोसाइटी मार्केट, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है. और उसी की वजह से जब पार्टी कांग्रेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो और कॉन्फ्लिक्ट दूसरी पार्टी पार्टी कांग्रेस की वजह से और फेडरलिज्म में क्या ओवरलैपिंग कंसर्न्स है, एक एक जो दिस एडवांटेज फेडरल सिस्टम का है वो है कि ओवरलैपिंग कंसर्न्स होने से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है. कि अब जैसे केसेस और लॉरेंस साइज एक उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फेडरलिज्म विदाउट अ सेंटर, तो उन्होंने बोला कि विद प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में. और जैसे कि आप एक था वेरी फेमस केस केसर ऑफ इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2004 में, तो उसमें बोला गया कोर्ट ने कि माइंस मिनरल्स इंडस्ट्री ये जो है प्राइमरी कंसर्न जो है स्टेट्स का है, बट सेंटर कैन मेक लॉज फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ माइंस मिनरल्स एंड इंडस्ट्री. तो ओवरलैपिंग कंसर्न है, तो ऐसे कितने मुद्दे आप पाएंगे कि दोनों लिस्ट में है लेकिन उसको कौन सा, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि. और दूसरा जो विरोधाभास मैंने बताया कि पार्लियामेंटेरियनिज्म और फेडरलिज्म का है, तो वो आप ये व्यवहार में देखेंगे कि कैसे व्यवहारिक तौर पे कैसे केंद्र और राज्य के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट विरोधाभास जो है आता जा रहा है. और ओवरलैपिंग कंसर्न्स की वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंटेशनस फेडरलिज्म की जो हम बात करते हैं वो आता जा रहा है. और फिर उसके बाद तो ये काफी इम्पोर्टेंट है. और फिर एक दलीय व्यवस्था में आप देखेंगे कि वैसे सेंट्रलाइजेशन इतना था, तो उसमें एक आप इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रहा है तो पार्लियामेंट्री फीचर्स हैव ओवरशैडोड फेडरल फीचर्स. पार्लियामेंट्री फीचर्स ओवरशैडो करते हैं तो फेडरल फीचर्स कम हो जाते हैं. 1989 में जब फर्स्ट टाइम मल्टी पार्टी सिस्टम जो है फॉर्मली स्टेट नेशनल लेवल पे आया, तो तब फेडरल फीचर्स एक्टिवेट हो गए और पार्लियामेंट्री फीचर्स वर ओवरशैडोड बाय फेडरल फीचर्स. और पहली बार जो है इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया 1990 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहा, जो क्योंकि कोई भी संघीय व्यवस्था है उसमें एक कोई मैकेनिज्म चाहिए जहां पे सेंटर स्टेट कैन नेगोशिएट. सारे मैटर तो कोर्ट जाएंगे नहीं, देयर हैज टू बी सम पॉलिटिकल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. तो क्या है वो, तो इंटर स्टेट काउंसिल था. मेरा इनफैक्ट PhD पे केस स्टडी उसी पे था, इंटर स्टेट में एक किताब भी उसी पे सिचुएटिंग फेडरलिज्म. एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, फिर चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंसेस रहा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस रहा, ये एडहॉक कॉन्फ्रेंसेस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, ये सब सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंसेस, ये सब मैकेनिज्म है इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन के. लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल बना बट फिर भी वो इनएक्टिव रहा, क्योंकि 1989 के बाद आप देखेंगे जो यूनियन कैबिनेट रीजनल पार्टीज वर पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिशन. एंड फ्रॉम 1989 टिल 2004 वी हैड अनस्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट्स. तो यूनियन कैबिनेट इटसेल्फ बिकेम अ फेडरल फोरम वेयर स्टेट कुड एयर देयर ग्रीवेंसेस. तो दे डिड नॉट नीड एन ऑल्टरनेटिव फोरम ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो वो इनएक्टिव ही रहा. लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था वो प्लानिंग के लिए फॉर क्लियरेंस ऑफ प्लान्स बाय टू ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट उसकी आवश्यकता रही जब प्लानिंग कमीशन बना. और उनका जो कॉम्पोजिशन है वो ये चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल दी स्टेट्स इलेक्टेड गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ये सब, लेकिन तो वो ज्यादा एक्टिव फोरम रहा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो ये और फिर आप 2014 पे आइए, 14 के 30 साल बाद ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स बाद वी सॉ वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट. लेकिन मैं उसको वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जैसे रामचंद गुहा ने और काफी स्कॉलर ने बोला आप उसको, या कोई फोर्थ पार्टी सिस्टम बोलेंगे कोई, तो मुझे लगता है जो अगर आप सातोरी का क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम बोले तो वो बोलते हैं अगर 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शन में कोई पार्टी पावर में आते तो आप उसको वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम बोल सकते हैं. ठीक है, और भी तो उसमें अगर अगले चुनाव में भी आ जाती है बीजेपी पावर में तो आप बोलेंगे वन पार्टी सिस्टम. बट वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट इट इज मोर, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो उसको फाइन करते हुए बोल सकते हैं वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट बोलेंगे, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट है. बीजेपी चाहती अपनी सरकार पूरे अकेले बना सकती थी लेकिन अपने कोलिशन पार्टनर्स अलायंस को रिस्पेक्ट किया और एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, बट वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट है. और उसके बाद फिर देखिए जैसे फिर से बीच में कोलिशन का फेज था तो फेडरल फीचर्स प्रोमिनेंट हो गए थे. अब वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट फिर से आए तो फिर से पार्लियामेंट्री फीचर्स हैव ओवरशैडोड फेडरल फीचर्स. तो ये आप ये और माइंडसेट से अगर आप देखें तो ज्यादातर नेशनल पार्टीज जो इंडिया में है वो सेंट्रलिस्ट है.
फेडरल रीजनल पार्टीज जो है वो अफकोर्स रीजनल एस्पिरेशंस की बात करते हैं, बट ज्यादातर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो माइंड सेट से वो नेशनल पार्टीज फेडरलिज्म, क्योंकि डाइवर्सिटी है हमारे देश में, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो वो आवश्यकता बन गई है. और बीजेपी के भी एजेंडा में, मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस आए 2014 के बाद से, एक तो स्पेशली फिस्कल फेडरलिज्म में, और आपके उसमें पूरा एक सेशन है फिस्कल फेडरलिज्म में, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी. मैंने एक आर्टिकल भी, एक 3 साल का प्रोजेक्ट किया था, लेबर होम ट्रस्ट ने फंड किया था, 6 यूनिवर्सिटीज का कोलैबोरेशन था, 3 फ्रॉम UK 3 फ्रॉम इंडिया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसमें पार्टनर रहा था, और उसमें मैंने एक थीम को लीड किया था इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस को. तो उसमें खूब सारे आइडियाज माइंड में रहते हैं ना, तो एकदम हाँ, तो फिस्कल फेडरलिज्म में हाँ, तो उसमें मैंने उसके आउटकम में एक आर्टिकल, कई आर्टिकल्स थे, और एक मैंने विल्फ्रेड सिंडन के साथ लिखा था, फेडरल क्रिटिक ऑफ नीति आयोग, इंडिया रिव्यू में छपा था अमेरिका से. तो उसमें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिफॉर्म आया वो आप देखेंगे, एक तो ट्रांजिशन फ्रॉम वैट टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड मार्केट की बात करी, पर उसमें भी आप देखेंगे विवाद रहा, स्टेट्स को कौन से उसमें रहने चाहिए जीएसटी के उसमें, और काफी स्टेट्स उसके अगेंस्ट में रहे करके, और लेकिन बाद में उन्होंने मतलब साथ में भी चले. और इसी तरह से दूसरा इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म लाए गए वो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग. तो नीति आयोग और उसकी गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, वो काफी इम्पोर्टेंट, जो एक क्रिटिसिज्म था प्लानिंग कमीशन तक का कि वो सेंट्रलाइज है, सुपर कैबिनेट है, इंस्टेड ऑफ प्रोफेसर काबरा उन्होंने लिखा कि इंस्टेड ऑफ सेंटर अपॉइंटिंग मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, देयर नीड टू फेडरेट द प्लानिंग कमीशन, इंस्टेड ऑफ सेंटर अपॉइंटिंग द मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टेट शुड जॉइंटली अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन. तो वो मुझे लगता है गवर्निंग काउंसिल में काफी हद तक उसको ध्यान में रखा गया, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट्स के, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, जो एनडीसी का रोल था वो एक तरह से वो गवर्निंग काउंसिल में हुआ, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, तो उस हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन का मिसिंग था, स्टेट्स का वॉइस जो मिसिंग थी, लेकिन उसमें भी काफी मुद्दे हैं, जो क्रिटिसिज्म है, ग्रीवेंसेस हैं स्टेट्स के अलग अलग तौर पर, वो देखने में आए हैं. तो ये दो काफी इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं फिस्कल फेडरलिज्म को लेके. और बाकी तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म में देखें तो राज्यपाल की भूमिका तो वो बहुत चर्चा में रही है, और बीजेपी के टाइम में भी कांग्रेस के जो है राज्यपाल, उन सबको हटाया गया, और काफी 356 का भी दुरुपयोग किया गया, और इवन गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज करने की चर्चा काफी जगह रही, आपने भी हाल में देखा गोवा में, राजस्थान में, सब जगह का. तो ये कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, मैं ये कहूंगी कि एज एन एकेडमिक मुझे लगता है ये कोई भी पार्टी पावर में आती है तो यही होता है, आइडियोलॉजीज जो है वो काफी ब्लर हो गई है आजकल. मैंने बल्कि पहले आर्टिकल लिखा था कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी, लेकिन अब जो है कि बीजेपी का ये भी डिबेट में चल रहा है कि बीजेपी का 370 हो गया जो एजेंडा में था, अयोध्या वाला कंस्ट्रक्शन, राम टेम्पल हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड नेक्स्ट टाइम पावर में आई, अभी भी हो सकता है टाइम इलेक्शन से पहले करें या आने नेक्स्ट इलेक्शन में करें, तो उसके बाद क्या होगा, फिर भी वो लिबरल पार्टी हो जाएगी, फिर तो जो एजेंडा है तो खत्म. तो वो एक डिलेमा कांग्रेस का भी, जैसे डिलेमा रहा कि नेहरूवियन सोशलिज्म से वो मूव करें, नीड ऑफ द आवर था प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड 2004 में जो कांग्रेस ने डिलेमा फेस किया कि भाई मार्केट एंड रिफॉर्म्स को लेके, इक्विटी और ग्रोथ को लेके, ठीक है, तो उसमें किधर जाए वो, ठीक है. और इसीलिए तो 2004 में कांग्रेस को लगा कि जो प्रो गोवा पार्टी के रूप में थी, अब तो वो हटती जा रही है उधर से आम आदमी की, इसलिए वो स्लोगन लिया 2004 में कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ की भी, आम आदमी से तो दूर होती जा रही है, नेहरू ने सोशलिज्म को अब प्राइवेटाइजेशन ये सब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद, तो वो डिलेमा में रही. उसी तरह बीजेपी का डिलेमा 14 से पहले तक ये रहा कि डेवलपमेंट मॉडल करे या ये जो राम मंदिर, क्योंकि 2 से 86 से 119 सीट्स राम मंदिर के मुद्दे पे हुआ, और तो आप राम मंदिर, और जब कोलिशन गवर्नमेंट बना 1996 में 13 दिन की वाजपेयी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद
लगा कि जो बीजेपी एक तरह से लोग मानते थे कि नहीं अनटचेबल है और कोई कोलिशन बनाने को तैयार नहीं था, वही 98 में बीजेपी लेड कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, वो तीन कॉन्टेंशियस इश्यूज हटा दिए कि भाई जब पूरी मेजोरिटी में आएंगे तो हम उसको करेंगे। तो ये सारा जो है हम देखेंगे कि कैसे 98 में और 99 में बीजेपी लेड एनडीए कोलिशन 18 पार्टीज का था और एनडीए 1999 में 24 पार्टीज का कोलिशन बना, और फिर 2004 तो बीजेपी ने भी वो विरोधाभास देखा कि भी क्या डेवलपमेंटल इश्यूज पे स्टिक करे या टू गो बैक टू एथनो रिलीजियस इश्यूज, जब वो पूरा कांग्रेस पार्टी का यूपीए यूपीए वन का फेज रहा आपका 2004 से लेके 2014 के बीच में, तो वो 10 साल बीजेपी ने भी मंथन किया कि क्या किया जाए, और फिर वो डेवलपमेंटल मुद्दे पे 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और रिपीट हुआ 2019 में और मेजोरिटी के साथ। तो ये लेकिन आप देखेंगे कि तो इसमें पार्टी सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, मतलब सोशल मोबिलाइजेशन, राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, एडवेंट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, और फिर पार्टी सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू मल्टी पार्टी कॉन्फिगरेशन, और इस पर एम पी सिंह मेरे PhD सुपरवाइजर भी रहे, हमने भी काफ़ी जॉइंटली भी काफ़ी लिखा है इस पर, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा टुवर्ड्स ग्रेटर फेडरलाइजेशन। दूसरा जुडिशियल बिहेवियर जो रहा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन गिवन बिकॉज ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, जैसे ऐसा मुंबई के ये सब। तीसरा जो कारण रहा फेडरलाइजेशन को बढ़ावा देने में, वो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक तरफ तो देयर वाज प्रेशर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, एंड दूसरी तरफ देयर वाज प्रेशर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, तो वो जिसका नेट इफेक्ट लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो ये काफी मतलब कारण रहे जो ग्रेटर फेडरलाइजेशन की तरफ रहे, और उसका इम्पैक्ट देखा गया, इम्पैक्ट ऑफ फेडरलाइजेशन वाज सीन इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द थर्ड टीयर ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज बाय 73-74 अमेंडमेंट एक्ट्स, लेकिन उसको भी हम ये कहेंगे कि वो दे आर मोर डेवोल्यूशनरी इन नेचर, इट इज नॉट करेक्ट टू कॉल देम एज थर्ड टीयर ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो डेवोल्यूशनरी नेचर में रहे, नॉट फेडरल, तो ये भी एक डिबेट का मुद्दा है, आई जस्ट टेक फ्यू मोर मिनट्स, तो वो भी एक डिबेट का मुद्दा रहा, और फिर जो आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल मैकेनिज्म्स, इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस, ये काफी इम्पोर्टेंट रहा, और फिर सेटिंग अप ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सेबी, कॉम्पिटिशन कमीशन, ये सारे जो विद क्वाज़ी जुडिशियल नेचर, तो ये इम्पैक्ट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज थी, जो फंक्शनरीज थे, दे क्वाइट ग्रेटर डिस्क्रिशनरी मैनिपुलेटरी इन मल्टी पार्टी कोलिशन फेज, जैसे कि गवर्नर हो गया, फिर प्रेसिडेंट हो गया, तो मल्टी पार्टी कोलिशन फेज हुआ तो ज्यादा कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करे या सिंगल लार्जेस्ट कोलिशन जो स्टेबल गवर्नमेंट करे, वो एक डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट का रहा, तो गवर्नर भी प्रेसिडेंट भी थोड़ा, और इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष रूप से उभर के आया, फिर टीएन सेशन, मेरी पहली किताब टीएन सेशन है अनिल के अडवाणी ने रिलीज करी थी 1994 में, तो उन्होंने सेशन इफेक्ट जो रहा, लेकिन वो भी मुझे लगता है इट इज बहुत कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैन एंड वुमेन, मैंने इलेक्शन कमीशन पर भी एक आर्टिकल लिखा था, खाली आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन टीएन सेशन की वजह से पूरा उसमें सीट चेंज आया, बल्कि मोमेंट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस टू मल्टी पार्टी कोलिशन सिस्टम, तो वो स्ट्रेंथन हुआ, तो वो एक एनवायरमेंट उन्होंने दिया कि वो एक इंडिपेंडेंट रोल भूमिका प्ले कर सके, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस काफी, और CSDS का एक सर्वे था जिसमें उन्होंने बताया कि पीपल के परसेप्शन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट उनको है जुडिशरी पे, इंडियन जुडिशरी पे, फिर है इलेक्शन कमीशन पे, फिर पंचायत इन सब पे, तो ये सारा रहा, लेकिन आप देखेंगे 14 के बाद से और वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट आ गया, तो फिर कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म जो है आप इम्पोर्टेंट हो गया है, वो आप देखेंगे, और कोई भी मुद्दा है, आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, उसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो है कन्फ्रंटेशन, आपने GST देखा, नीति आयोग, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी देख लीजिए, उसमें भी लैंग्वेज को लेके कि मदर टंग में आपका होगा, लेकिन हायर एजुकेशन में कहाँ है लैंग्वेज मदर टंग में, तो वो सारा, या CAA देख लीजिए, उसमें जो है उसमें डिबेट की राज्यों के बीच में, और जो स्टेट्स का ऑपोजिशन रहा, किसी को वहीं पे इम्प्लीमेंट किया गया जहाँ पे
बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं था, और फिर जो मुस्लिम वेस्ट बंगाल में असम में और मुस्लिम जो है वो उसमें से मिसिंग रहे, और उसमें तो स्टेट्स का और कम्युनिटीज का या रिवर वाटर डिस्प्यूट देख लीजिए तीस्ता या और भी हरियाणा पंजाब के बीच में और दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंटर के बीच में, फिर आपका तो कंपटीशन कोई भी क्या एग्रीडियन बिल आप देख लीजिए उसमें जो एमएसपी को लेके विवाद है, तो ये सारे भी काफी चर्चा में रहे, और कि एंडिंग ऑफ जो मंडी है उनको बंद कर देना और जो एमएसपी कौन डिसाइड करेगा और एक मिडिलमैन की बात, तो ये काफी एग्रीडियन स्टेट जो मेनली रहे पंजाब हरियाणा काफी अपोज किया गया, तो और स्पेशली कोविड के टाइम में तो काफी कन्फ्रंटेशन तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ में कुछ कोलैबोरेशन का भी हमें लगा इंस्टेंसेस रहे, जैसे जीएसटी में भी साथ में लेके चले, और कोविड के टाइम में पेंडेमिक मुझे लगता है सबसे अच्छा एग्जांपल था, इसमें मैंने एक पेंडेमिक फेडरेशन पे भी आर्टिकल लिखा था कोरमा फेडरेशन के, उसमें और मेरी जो इतना ही किताब है उसमें सारे उसमें जेंडरिंग फेडरिज्म, पेंडेमिक फेडरिज्म, जुडिशियल फेडरिज्म पे भी लिखा है, एग्जीक्यूटिव फेडरिज्म पे भी लिखा है, डिफरेंट डायमेंशन को एक्सप्लोर किया, ग्रीन फेडरिज्म, तो पेंडेमिक फेडरिज्म काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहा, एग्जीक्यूटिव फेडरिज्म का कार्यकारी संवाद था जिसमें केंद्र और राज्य साथ में मिलकर चले, शुरू में तो थोड़ा जैसे लॉज थे सेंट्रलाइजिंग लॉज, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये सब एपिडेमिक एक्ट, तो लगा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, और लॉकडाउन शुरू में इनिशियल फेज में लगा कि डायरेक्टिव सेंट्रल डायरेक्टिव लगा कि सेंट्रलाइजिंग है, स्टेट्स को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिस जो थी चीफ मिनिस्टर्स के साथ, तो कंसल्टेशन, और फिर सेकेंड थर्ड फेज के सेकंड फेज थर्ड वेव के बाद और थर्ड लॉकडाउन के टाइम से काफी रिलैक्सेशन देने लगा, काफी स्टेट्स में छोड़ दिया कि कब वो शॉप्स खोले, कब स्कूल्स खोले, और उस पे रिस्ट्रिक्शंस कब वो करनी है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट, और इस तरह की जो आपदा जब आती है तो मुझे लगता है कोई भी स्टेट्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट तभी हो पाता है कि वो भी सेंट्रलाइजिंग थोड़ा टेंडेंसी रहे, नहीं तो उसको निपटने में मुश्किल होता है, तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में जो है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रहनी चाहिए, लेकिन कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का काफी जो है इम्पोर्टेंट ये देखा गया हमें कोविड के दौरान, तो अंत में मैं बस कंक्लूड करते समय यही कहूंगी कि जो केंद्र सरकारी कमीशन ने भी कहा, जैसे पंची कमीशन ने भी कहा कि भारत कोई भी देश ऐसा नहीं है, मैं नेपाल में जब गई वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में तो प्रोसेस में रही 10 साल जाती रही, तो वो बोलते थे कौन सा आइडियल मॉडल है, तो आप कोई भी आइडियल मॉडल आपको कोई नहीं मिलेगा, जहाँ पे अमेरिका में भी कितने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कैनेडा भी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, ऑस्ट्रेलिया भी है पार्लियामेंट्री फेडरल सिस्टम, वहां पे भी कितना रेसिज्म, और कितना कैनेडा में क्यूबेक जो ओनली प्रोविंस है वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है उसको भी असमेट्रिकल फेडरलिस्ट प्रोविजन दिया गया है, बेल्जियम असमेट्रिकल का काफी अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन वहां पे भी क्यूबेक काफी डिमांड करता रहा टू सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ कैनेडा, लेकिन वहां पे भी रेवोल्यूशनरी पैकेजेस के दिए गए, तो प्रॉब्लम्स तो है, कोई एक आपको कोई देश में ऐसा नहीं मिलेगा, और इंडिया जैसी विविधताएं जो डाइवर्स डीप क्लीवेजेस है, तो आई थिंक फिर भी जो है जो स्कॉलर्स पहले बोलते थे रीजन फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करते थे इंडियन इलेक्शंस ये सब, अब बोल रहे हैं फॉरेन एंड इंडियन स्कॉलर्स की वन ऑफ द रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी फेडरल मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, तो मुझे लगता है उसी स्पिरिट में हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट में और ये केंद्र और राज्य को साथ मिलके समन्वय से चलना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म दैट इज द नीड ऑफ द आवर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्लीकेशन। Thank you.